काफ़ी चढ़ाई है और अभी हम लोग चले जा रहे हैं। हमारे साथ में और थे कुछ लोग और सब लोग हैं। लाला भाई होटल से बड़ू की बनाओ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों कैसे सब लोग, आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में और मेरे साथ में अभी ये तो इधर देखो भाई, ये सब मेरे साथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैया नीलकंठ की चढ़ाई करने के लिए। और ये हमारे पास सबके पास गंगा जल जो हमने नीचे से भरा है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए दिखाते हैं आपको और क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग चढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। चलो भैया एक जयकारा लगा लो सुबह सुबह। हाँ बिल्कुल। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महाराज की जय। भोले बाबा आ जाओ आगे। जयकारा न लगायो, वीडियो बनाने में मगन हो गए अब, जैसे कह रहे हैं जयकारा न लगा रहे हैं। तो 6 बजे स्टार्ट करा आप लोगों ने, 6:09 पे स्टार्ट करा है। चलो देखते कितने टाइम में पहुंचेंगे ना, कितना टाइम लगेगा। 10 बजे तक तो बस यहाँ पे हमें मिल चुके हैं बालाजी महाराज के अवतार लंगूर जी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, हाँ ले आओगे हो इतने बड़े लेकर आ चाहे हिम्मत तो जाओ। चलिए देखते हैं और क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, आप दिखाते हैं और आपको अभी। तो बस अभी हम लोग चल रहे थे यहाँ पे रोड पे, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है पैदल का रास्ता। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से इधर शॉर्ट है ये पैदल जाने के लिए। और के भैया थक जाओगे यार इतना वजन लेके। तो वैसे एक चीज़ और बता दें भाई, मैं जो आया हूँ लगभग मुझे हो गया होगा 8 से 10 साल, लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं। मैं तो 3-4 साल मतलब पहले आया था। तो अभी यहाँ पे नीलकंठ की चढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले अगर आए तो हरिद्वार तक आए हैं बस। अभी लगभग 8 से 10 साल बाद यहाँ पे नीलकंठ महाराज की चढ़ाई में आए हम सब लोग। बाकी सबका एक्सपीरियंस देखते हैं क्या क्या है, कौन कब कब आया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी आगे से, सब जने बताएंगे कितना कितना टाइम हो गया। हाँ भाई अर्जुन भाई बताओ तुम जल्दी फटाफट। पहली बार आया हूँ। पहली बार कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है अभी तक। राजीव हैं? तीसरी बार चौथी बार आयो। सर आप बताइए, दूसरी बार पहली बार गाड़ी से है, दूसरी बार पैदल। अरे घोड़े की तरह। तो अभी कैसा महसूस हो रहा? अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है। इधर हमारे राहुल भैया और उमेश भैया अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तुम बताओ सर, कितनी बार आयो? पहली बार। तो गाइस ये सब लोग अभी हम जो साथ में है ना, कोई पहली बार आया है, कोई चौथी बार, कोई तीसरी बार, मगर मैं कई साल बाद आया हूँ जैसे कि आपको मैंने बताया। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लैंड के पल्ली पार जाते ना तुम? अभी तो आधे कुछ भी ना, अभी तो बहुत पीछे हम, तुम कहाँ पहुँचेंगे अभी, कितने पहाड़ पार करने। मंदिर पर फोटो खींचोगे? पहले यहाँ पे खींच लो, देखो मिल गई नाक, मिल गई पंजों पे, पंजों पे नाक मिल गई। जय भोले की। हेलो हेलो भाई, बैक करिए जरा थोड़ा सा। बैक ही बैक है, फ्रंट करिए। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। तो गाइस काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, ये देखिए अभी हम लोग शॉर्टकट यानी पैदल वाले रास्ते से जा रहे हैं। सावन के महीने में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, अभी नहीं है।
तो गाइस अभी पूरा एक घंटा हो गया हम लोगों को चलते चलते, और चौबी जी तो पीछे ही रुक गए क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अभी हम लोग आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़ पाए। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके की चढ़ाई है, और ये शॉर्ट रास्ता है इधर से, तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या मिलता है देखने के लिए। दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, क्या हो गया, पागल हो क्या, क्यों कदम कम कर रहे हो यार अपने। तो गाइस बने रहिए, दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग बैठे सब लोग, हम जल्दी पहुँचेंगे, कितने पीछे रह गए हैं, काफ़ी थक गए हैं, अभी आधा रास्ता भी चढ़े हैं, और बाकी सब लोग यहाँ पे हैं इस तरीके से, विष्णु, अर्जुन, उमेश भाई, राहुल, बाकी और सब लोग हैं। लाला भाई होटल से बड़ू की पूछ लो कहाँ से हैं, कहाँ से हैं आप लोग? जिला पलवल। जिला पलवल से सब लोग? हाँ जी, पलवल से। मुरादाबाद से हैं आप? तो मुरादाबाद से तो हम भी हैं। तो वैसे ये सब कुछ मुरादाबाद से हैं, ये पलवल से हैं, और यहाँ पे ये हमारे आंखों के तारे हैं। यहाँ पे ये दुकान लगी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अच्छा आप कहाँ से हो? हरियाणा से भाई। हरियाणा से? तो अकेले हो आप? नहीं नहीं पूरी टीम है। टीम तो अलग अलग बता रही है, आप हरियाणा से बता रहे हो? ना ना, ये सब यूपी के, मैं हरियाणा को हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है, टीम सब एक है। टीम सब एक है। चलो आओ मिलते हैं। हाँ जय भोले की, जय भोले की, आ जाओ भोले, विष्णु जी भोले जी आ जाओ। हमारी तो गाइस अभी हमने आधे से ज़्यादा चढ़ाई कर ली है, और अभी हम लोगों को जाना है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए वहाँ पे वो जो आपको ऊपर पहाड़ दिख रहा ना, अभी हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ से फिर नीचे जाना है, तो काफ़ी चढ़ाई है, और अभी हम लोग चले जा रहे हैं, हमारे साथ में और थे कुछ लोग, सब लोग पीछे रह गए हैं, लुगाई आगे जा रही है। कोई बात नहीं, अभी और आगे का रास्ता दिखाऊँ मैं आपको, कुछ इस तरीके का है। और नीचे की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे पूरी कितनी गहरी खाई है, ये देखिए दोबारा बनाइए, सही काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है पूरा। तो वीडियो बन रही है और दिखाते हैं अभी आगे चल के आपको। चलो आओ, कुछ भक्त हमारे जो नीलकंठ महाराज के दर्शन करके आ रहे हैं। जय बोले की। तो और कोई आपके साथ में? मम्मी पापा हैं साथ में। चलो बढ़िया, कैसे हुए दर्शन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, भीड़ भाड़ कैसी है? भीड़ भाड़ नहीं, भीड़ भाड़ कम है। कम है ना भीड़ भाड़, चलो बढ़िया। चैनल का नाम सब्सक्राइब कर लूँ एक बार, चैनल को यूट्यूब पे शंकर सिंह ब्लॉग्स के नाम से आ जाएगा। तो वो वाला रास्ता कहाँ था? तो गाइस ये देखिए नीलकंठ मार्ग, और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। है मंदिर है, चलो अरे आओ ना, पूछ लेंगे यार, ये साफ साफ लिख रहा है, तुम्हें समझ में आ रही बात? हाँ भाई, अब बताओ अब कैसा लग रहा है नीचे चलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे ये रास्ता कितना नीचे। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पहाड़ों पे देखो खेती किस तरीके से होती है, अभी कुछ खेत दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, ये सब खेती है यहाँ पे, ये खेत जैसे बना रखे हैं यहाँ पे। अभी कितनी नीचे जाना है भाई? तो गाइस ये देखिए वहाँ पे उधर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, वो वहाँ पे उधर वो है मंदिर, अभी हम लोगों को वहीं पे पहुँचना है। और